हेलो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग एंड मोर विद गौरी और मैं गौरी एक बार फिर से आपके साथ एक नई रेसिपी शेयर करने आई हूँ तो आइए आज हम बनाने जा रहे हैं तोरी की सब्जी जो बहुत ही सिंपल तरीके से बनेगी और अगर आपके घर में कोई तोरी नहीं भी खाता होगा तो ये बड़े चाव से खाने वाले हैं तो आइए ये, ये सिंपल सी तोरी बनाना स्टार्ट करते हैं तोरी बनाने के लिए ये हमने पहले थोड़ी तोरी ली है ये आधा किलो से थोड़ी सी कम ही तोरी है और ये मैंने बहुत ही कच्ची तोरी ली थी आप देख सकते हैं इनका छिलका कितना सॉफ्ट है तो ये मैं पहले इन्हें छिलके इनके निकाल लूँगी सभी तोरी जितनी कच्ची होगी उतना ही अच्छा टेस्ट आता है इसका तो देखिए कितनी फ्रेश ये तोरी दिख रही है तो मैंने इनके सभी तोरियों के छिलके निकाल लिए हैं इन्हें छील लिया है अभी हमने इन्हें कट करना है कट करने के लिए मैंने पहले इसमें ऊपर और नीचे की साइड से ये सारे दोनों साइड से डंठल निकाल लिए हैं और इसके बाद मैंने ये तोरी को देखिए गोल कट करना स्टार्ट कर दिया है तो ये इस तरह से मैंने गोल गोल ही कट किया है आप अपने हिसाब से जैसे तोरी काटते होंगे वैसे काट लीजिएगा मैं गोल ही काटती हूँ तो मैंने गोल ही काटी है तोरी कट करने के बाद मैं एक अनियन ले रही हूँ इसको भी मैंने छील के वॉश करके इसे बहुत ही बारीक बारीक चॉप कर लिया है अभी हम एक टमाटर लेंगे और एक टमाटर को भी हम बहुत ही बारीक बारीक चॉप कर लेंगे देखिए टमाटर भी मैंने बहुत बारीक बारीक चॉप कर लिया है अभी अभी हमने दो हरी मिर्च ली है उनको भी बहुत बारीक बारीक चॉप कर लिया है ये देखिए फिर दो मिर्च भी कट हो गई अभी मैंने कुकर रखा है कुकर में मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है ऑयल के गर्म होने के बाद हम इसमें ज़ीरा डाल देंगे ज़ीरा को अच्छे से भुन जाने तक जब तक ये पूरा रेड ना हो जाए ये रेड हो चुका है अभी हम इसमें चॉप किया हुआ अनियन और हरी मिर्च दोनों इसमें ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से हम इसे भूनने देंगे और तब तक इसे अच्छे से सौते करेंगे जब तक इसमें अच्छा सा ब्राउन कलर ना आ जाए ये देखिए अभी इसमें ब्राउन कलर आ चुका है अभी हमने ऊपर से ऐड कर दिया है इसमें टमाटर और टमाटर को भी हम अच्छे से भूनना है पर इससे पहले मैं इसमें मसाले ऐड कर दूंगी मसाले के लिए मैंने पहले लिया है थोड़ा सा हल्दी पाउडर तो ये मैंने इसमें ऐड कर दिया है थोड़ा सा रेड चिली पाउडर और थोड़ा सा डालूंगी मैं इसमें बहुत थोड़ा सा गर्म मसाला ये सभी मसाले बहुत ही कम मात्रा में डालने हैं ऊपर से डाल दिया मैंने थोड़ा सा पिसा हुआ धनिया और मैंने इन्हें अच्छे से मिक्स कर लिया है मिक्स करने के बाद मैंने ऊपर से इसमें बस ऐड किया है अभी थोड़ा सा हींग तो इसमें मैंने चुटकी भर हींग भी डाल दिया है और मसाले बहुत थोड़ा थोड़ा ही डालने हैं और इन्हें अच्छे से पकने देंगे मसाले जब तक अच्छे पक जाए टमाटर के साथ तो ये देखिए टमाटर के साथ मसाले पक चुके हैं और ये मैंने मेरे पास जो तोरी थी वो मैंने इसमें ऐड कर दी है और उन्हें अच्छे से मिक्स कर दिया है देखिए तोरी में मैंने पानी बिल्कुल नहीं डाला है क्योंकि तोरी काफ़ी पानी छोड़ती है सब्ज़ी बनते टाइम तो जितना पानी इसमें तोरी में है उतना ही पानी इसका काफ़ी है हमने अलग से ऐड नहीं किया है मैंने बस ऊपर से इसमें अभी सॉल्ट डाल दिया है तो नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं और मैंने बस मिक्स किया है और अब हम लगा देंगे कुकर का ढक्कन और बस अभी हमें इसमें सीटी आने देनी है और सीटी कम से कम इसमें छः से सात आ जाए ताकि ये बहुत अच्छे से घुट जाए तो देखिए ये छः सात सीटी आने के बाद मैंने इसको ओपन किया है और देखिए तोरी कितनी अच्छी सी पक चुकी है सारी खुद सी मैश भी हो चुकी है और इसमें जितनी आप सीटी लगाएंगे जितना ये अच्छे से गल जाएगी उतनी ही ज़्यादा टेस्टी लगती है और देखिए बिना पानी डाले भी इसमें अच्छा खासा पानी आ चुका है तो अभी बस मैंने इसमें हरा धनिया ऐड करना है तो मैंने इसमें कुछ कटा हुआ हरा धनिया डाल दिया है और बस धनिया को अच्छे से मिक्स कर लीजिए सब्जी में और रेडी है हमारी सब्जी जो आपके घर में अगर ये सब्जी नहीं भी खाते होंगे तो ये तोरी सब्जी आप इस तरह से बनाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगी और सभी मेंबर्स बड़े चाव से भी खाएंगे पर्सनली मुझे ये सब्जी चावल के साथ बहुत पसंद है तो आप ये चावल के साथ ट्राई कीजिएगा बहुत टेस्टी लगती है तो आपको ये आज तुररी की सब्जी की रेसिपी कैसी लगी पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक केयर बाय